नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आपका स्वागत करता हूँ अपनी वीडियो में। दोस्तों आज हम कक्षा 10 का गणित सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन संख्या है जो 13। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी चैप्टर है, सब हमने अपलोड कर दिए हैं प्लेलिस्ट में। आप लोग जाके सारी की सारी वीडियो देख सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे अदर सोशल मीडिया नेटवर्क का लिंक मिल जाएगा। आप लोग वहाँ पर हमसे जुड़ सकते हैं, फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और जुड़ सकते हैं। दोस्तों आप हमारे ब्लॉग पे भी जा सकते हैं, deepakteacherji.blogspot.com। वहाँ पर हमने सारी की सारी वीडियो अपलोड कर दी है, तो आप लोग वहाँ पर भी जाके सारी की सारी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों तो आइए देखते हैं, बुक आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 9.1 क्या है, उसके बाद हम लोग इसका सोल्यूशन करते हैं। तो बुक आपकी स्क्रीन पर देखते हैं क्या है, आइए देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 13। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्र जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 है। यदि लाइट हाउस के एक ही और जहाज दूसरे जहाज से ठीक पीछे है, तो दोनों जहाज की के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं कैसे है। तो दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने है, हम लोग चित्र बना दिए हैं, आप लोग देख लीजिए एक बार। आइए समझाते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एक लाइट हाउस है हमारी, कितने सेंटीमीटर की, 75 सेंटीमीटर की लाइट हाउस है ये। इसकी लंबाई कितनी है, 75 मीटर, ठीक है, 75 मीटर है दोस्तों। और ये क्या बोल रहा है कि देखिए उन्नयन और अवनयन ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में क्या लिखा, उन्नयन लिखा कि अवनयन लिखा। उन्नयन लिखा होता है तो कोण हमारा यहाँ नीचे बनता है, आधार पे बनता है, ठीक है दोस्तों। और अवनयन बोला जाता है तो कोण जो हमारा होता है कहाँ बनता है, शिखर पर बनता है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, अवनयन बोला है दोस्तों, ठीक है। अवनयन ये है हमारे 30 डिग्री का और ये 45 डिग्री का बोला है, ठीक है। तो इसका अवनयन कोण ये 30 डिग्री, तो इसका उन्नयन कोण और अवनयन कोण दोनों ही क्या होते हैं, बराबर बराबर होते हैं। तो ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, और ये इतना कितना है, 45 डिग्री है, तो इतना क्या हो जाएगा हमारा, ये 45 डिग्री हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आइए क्या पूछा है हमसे, हमसे पूछा है कि इन दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो आइए ज्ञात करते हैं, इसको कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं। तो दोस्तों ये आइए देखते हैं, देखिए नाम दे देते हैं ए बी सी और डी, हमने नाम दे दिया है इनका। तो आइए देखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है दोस्तों, हम लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार बराबर होता है 10 थीटा। तो लंब यदि थीटा ये है ए बी सी में, तो लंब बी ए और आधार सी ए बराबर है 10 45, ठीक है दोस्तों, ये 45 और 10 45 का मान कितना होता है, मान रखिए सबका 75 बटे सी ए बराबर है 1, तो 75 बराबर है सी ए दोस्तों, ठीक है, सी ए का मान हमें पता चल गया है। तो आइए अब आगे चलते हैं स्टेप दो में, स्टेप दो में चलते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल बी ए बी डी, ए बी डी में, ठीक है दोस्तों, ए बी डी में चलते हैं। तो ये देखिए ए बी डी, ए बी और डी, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या होता है 10 थीटा। तो लंब कितना है बी ए और आधार कितना है डी ए और 10 30, तो सबका मान रखिए 75 बटे डी ए क्या हो जाएगा हमारा डी सी प्लस सी ए बराबर है अंडर 1/√3। तो मान रखिए सबका यहाँ पर 75 बटे डी सी प्लस सी ए कितना है हमारा, ये सी ए का मान 75 आया है बराबर है √1/√3, ठीक है।
एक बटे अंडर रूट 3, तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको उछाल ले जाते हैं, 75 बराबर है DC प्लस 75 अपॉन अंडर रूट 3, तो इसको सॉल्व कीजिए, 75 अंडर रूट 3 माइनस 75 बराबर है DC, तो 75 बाहर निकाल लिए, 75 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 माइनस 1 बराबर है BC, तो दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने, आप लोग देख लीजिए एक बार अच्छे से क्वेश्चन। तो इसी के साथ दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नीचे हमारे अदर सोशल मीडिया नेटवर्क का लिंक है, आप लोग वहाँ पर जुड़ सकते हैं हमसे। और बाकी वीडियो देखने के लिए आप प्ले लिस्ट में जाकर सारी सारी वीडियो देख सकते हैं। कक्षा 10 और कक्षा 12 का पेपर देख सकते हैं, UP बोर्ड का हमने अपलोड कर दिए हैं। तो आप कक्षा 10 और कक्षा 12 के 2019 के 2020 के सारे पेपर देख सकते हैं। और अभी 2000 फरवरी 2020 है, तो अब फरवरी 2020 तक के पेपर अपलोड किए हैं, आगे भी अपलोड करते रहेंगे, तो आप लोग देख सकते हैं सारे के सारे पेपर हम लोग अपलोड कर देंगे प्ले लिस्ट में। आप लोग प्ले लिस्ट में जाके सारे पेपर देख सकते हैं, 10 और 12 के BA के पेपर देख सकते हैं और MA के पेपर देख सकते हैं दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग।